कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद है, ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां, कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया लॉकडाउन खुलने का मतलब पूरी छूट नहीं होगा। यूपी सरकार 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाने की सूरत में कई बंदिशें बरकरार रखेगी। इसका मकसद अफरा तफरी को रोकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बेसिक व माध्यमिक स्कूल व कॉलेज आगे भी एक निश्चित अवधि तक बंद रखेगी, लेकिन टेक्निकल व व्यावसायिक कॉलेज खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब पहले उन लोगों को आने जाने में तवज्जो दी जाएगी जो कई दिनों से इधर उधर फंसे हुए हैं और घर नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी। बाजार में मंडियों को खोला जाएगा। मॉल में मल्टीप्लेक्स को इस दायरे से बाहर रखने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम व एसपी पहले ब्लॉक डाउन हटाने के बाद के हालात का आकलन कर लें, जिसके बाद ही आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। सरकार का जोर 15 के बाद भी कहीं भी किसी रूप में भीड़ न लगने देने का है। मौजूदा वक्त की सारी एहतियात बाद में भी सख्ती से बरती जाएंगी। इसमें समूह में ना निकलने से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल है। सरकार पहले उन जिलों में लॉकडाउन हटाएगी जहां कोरोना वायरस संक्रमण उपेक्षा काफी कम है। इसमें भी वायरस संक्रमण वाले हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोग कई जिलों में पहुंच चुके हैं और कोरोना वैरियर बने हुए हैं। ऐसे लोगों के कारण खास जिलों या उनके खास इलाकों में जांच पूरी होने तक बंदिश रहेगी। सीएम ने पहले 15 जिलों व बाद में पूरे यूपी में लॉकडाउन का ऐलान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इसका ऐलान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था। पीएम ने हाल ही में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी को इसका पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जो जहां फंसा होगा वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए भी कार्य योजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे, इसके कार्य योजना तैयार करें। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।